সীমান্তে পিঠ না দেখাতে বিজিবির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, হেলানির মতো হত্যাকাণ্ড আর দেখতে চাই না, সীমান্তে পিঠ প্রদর্শন করবেন না, নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন। বাংলাদেশকে হোম মিনিস্টার নে বড়া এলান কর দিয়া হ্যায় কি আব আপনে পিঠ নাই দিখানি, সিধি গোলি চালানি হ্যায়, क्योंकि अगर बांग्लादेश की लाशें बिछाएगा भारत बीएसएफ, जिस तरह से सुना दास एक छोटी बच्ची को, इनोसेंट गर्ल को मारा, फायर मारा, और उसका कसूर क्या था? एक छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची थी, और ऊपर से प्रोपेगेंडा ये किया गया कि ये हिंदू लड़की थी, इसको बीजेपी वालों ने मारा है, हालांकि वो बांग्लादेश की लड़की थी। तो वो कह रहे हैं कि अब बर्दाश्त नहीं है, अब पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है, अब आप भी सीधे फायर मारो। जी हाँ, होम मिनिस्टर हैं जो बांग्लादेश के, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। मैं कहता हूँ कि इस अनाउंसमेंट के बाद अब कश्तियाँ जला दी गई हैं बांग्लादेश की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। देखें, जिस तरह से बीएसएफ लगातार 15-20 साल से मजालिम ढा रही है बीजीबी के ऊपर, पहले बीटीआर थी ये और फोर्स का नाम चेंज था बांग्लादेश की, लेकिन बीजीबी के ऊपर किस तरह से ये बीएसएफ वाले मजालिम ढा रहे हैं। अब देखें कि 3-4 दिन पहले एक छोटी बच्ची को मार दिया बीएसएफ वालों ने बॉर्डर के ऊपर, और इल्ज़ाम ऊपर से बांग्लादेश के ऊपर लगा दिया, कहा कि ये हिंदू लड़की थी, ये भारत में आना चाहती थी, इसलिए बीजीबी वालों ने इनको सीधा फायर मार दिया। फिर कभी स्मगलर कह रहे हैं, और खुदा का खौफ करो, इतनी नन्ही मुन्नी परी है, वो छोटी सी बच्ची है, वो कहाँ से स्मगलर हो सकती है यार, कौन सी स्मगलिंग कर लेगी वो, खुदा का खौफ नहीं है ये बीएसएफ वालों में, ये इंडियन में। अब देखें, बड़ा मैं कहता हूँ कि ऐलान सामने आया होम मिनिस्टर की तरफ से, भाई सीधे फायर मारो आप भी बीएसएफ के खिलाफ। अब उन्होंने कहा कि सी एंड शूट, कोई ज़रूरत नहीं है आपको चुप करके बैठे रहें, वो जो मर्जी करते रहें, आपसे कुछ ना हो। नहीं, अब जो जहांगीर खान हैं बांग्लादेश के होम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाई आप भी सीधे फायर मारो, कोई ज़रूरत नहीं है, जब उनको हमारी फिक्र नहीं, हमको भी भारतीयों की फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इस जो बयान को, इस स्टेटमेंट को सोशल मीडिया पर काफ़ी देखा जा रहा है, और इंडियन आग बगोला हो रहे हैं कि ये देखें नए बांग्लादेश की नई हुकूमत कैसे एंटी भारत सेंटीमेंट रखती है। भाई आप उनके लोगों को मार रहे हैं यानी इंडियन, और ऊपर से वो बेचारे बोल भी नहीं सकते। अब तो स्टूडेंट्स की हुकूमत है, अब तो नया बांग्लादेश है, अब आपकी नहीं चलने वाली भाई। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप एंड तक, अंत तक ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फिर मैं इसके ऊपर बात भी करूँगा, जुड़े रहिएगा अंत तक। 3-2-1 एंड क्यू। সীমান্তে পিঠ না দেখাতে বিজিবির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, হেলানির মতো হত্যাকাণ্ড আর দেখতে চাই না, সীমান্তে পিঠ প্রদর্শন করবেন না, নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করুন। শনিবার 7 সেপ্টেম্বর সকালে বিজিবির সদর দপ্তর রাজধানীর পিলখানায় সীমান্ত সম্মেলন কেন্দ্রে বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাকালে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বিজিবির উদ্দেশ্যে বলেন, বিজিবির মূল দায়িত্ব সীমান্ত সুরক্ষা ও চোরাচালান প্রতিরোধ করা, বিজিবিকে আইন অনুযায়ী কাজ করতে হবে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আরও বলেন, দুর্নীতিকে কোনো অবস্থাতেই সহ্য করা হবে না, যারা ঘুষ ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, প্রয়োজনে তাদের চাকুরিচ্যুত করা হবে। কেউ না বুঝলেও আমরা আপনার প্রয়োজন বুঝি, আর তাই তো অত্যাধুনিক ফিচার সম্বলিত বিভিন্ন সাইজ আর কালারের 250টিরও বেশি ডিজাইন অপশন নিয়ে ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ বুঝে আপনার প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী সহ বিজিবি সদর দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে বিজিবির সব রিজিয়ন কমান্ডার, সেক্টর কমান্ডার, ব্যাটালিয়ন কমান্ডার সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য এর আগে গত ১৩ আগস্ট তৎকালীন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ও বর্তমান বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত এম সাখাওয়াত হোসেন বিজিবির উদ্দেশ্যে একই ধরনের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আগের সরকার বিজিবির মতো একটা ফোর্সকে পিঠ দেখাতে বলেছে সীমান্তে, সীমান্তে আমাদের লোক মারে, বিজিবি পতাকা বৈঠক করতে বাধ্য হয়। আমি বলেছি যে যথেষ্ট হয়েছে, আর পিঠ দেখাবেন না। উল্লেখ্য, বিগত ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি ভোরে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলার অনন্তপুর সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে ভারত থেকে দেশে ফেরার সময় ১৪ বছর বয়সী কিশোরী ফেলানিকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করেছিল বিএসএফ সদস্য অমিয় ঘোষ। তার লাশ কাঁটাতারের বেড়ায় ঝুলেছিল দীর্ঘ ৫ ঘন্টা। আপনি ভিউয়ার্স এই ভিডিও দেখি হ্যায় কেসে জনাব বাংলাদেশ কি তরফ সে বড়া অ্যাকশন লিয়া গিয়া হ্যায়। अब बांग्लादेश ने बहुत सब्र कर लिया यार, बड़े मजालिम बेचारों ने देख लिए हैं, शेख हसीना ने किस तरह से इनके ऊपर मजालिम ढाए हैं भारत के कहने के ऊपर। यानी ये तो चूचरा नहीं करते थे, उफ भी नहीं करते थे और पीठ दिखा देते थे। वो जो मर्जी करते थे बीएसएफ वाले, आके आपको मारते थे, लोगों को मारते थे, इनके फार्मर्स को मारते थे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। अब वो कह रहे हैं कि इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ये नहीं है कि हम अब चुप करके बैठेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे, हम अब सीधे फायर मारेंगे। जनाब ये लो तोहफा मोदी साहब, जो आपने नफरत भरी हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ, सिर्फ एक जमात को आपने प्रमोट किया, यानी अवामी लीग को, ना कि किसी और जमात के साथ मोदी खड़े हुए। यही अब नुकसान उठाना पड़ेगा भारत को। यानी शेख हसीना की टोकरी में ही अपने अंडे डालते रहे हैं सारे। यानी शेख हसीना को ही इन्होंने फंड करते रहे हैं, उसकी पार्टी को। किसी भी मुल्क का ना मुल्क के साथ ताल्लुक होता है, ना कि किसी वजीर आजम का किसी वजीर आजम के साथ। पीपल टू पीपल रिलेशन होता है, रिश्ता होता है, ना कि किसी एक वजीर आजम का किसी पर्सनल वजीर आजम के साथ कोई ताल्लुक होता है। इसका मतलब ये कि भारत सब कुछ करवाता रहा है, रॉ के जरिए, हसीना के जरिए, यानी इंटरवेंशन करता रहा है इंटरनल मैटर्स के अंदर बांग्लादेश के। ये तो अब मानना पड़ेगा। और वो अब बांग्लादेशी जाग उठे हैं, उसके नौजवान नस्ल अब जाग उठी है। उन्होंने कहा है कि हमें पता है हमारा दोस्त कौन है, हमें सब पता है हमारा दुश्मन कौन है, हम अच्छी तरह जानते हैं हमने अब क्या करना है, यह भी हम अच्छी तरह जानते हैं। लिहाजा जो भारत है वो बांग्लादेश से अपनी हिमायत खो चुका है, पिट चुका है। उसके अपने ही लोग मोदी के ऊपर इस वक्त प्रेशर डाल रहे हैं, लान तान कर रहे हैं कि देखें आपने अपने हमसाया मुमालिक में नेपाल को भी खोया, भूटान को भी खोया, बांग्लादेश को अब खो दिया है, पाकिस्तान और चाइना के साथ आपके वैसे ताल्लुक अच्छे नहीं है। व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।